अगर भाई Krata, के बारे में जानकारी चाहिए तो ये कार्य इज अ ग्रेट कार very impressive performance. सबसे ज्यादा बिकने वाली एसओ वो है तो वो है रोड पे जहां देखो आपको Creta ही मिलेगा कंपैक्ट एसयूवी के अंदर ब्रीजा के बाद सबसे कामयाब सीएनजी एसयूवी है तो वो है क्रेटा क्यों क्योंकि क्रेटा के अंदर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जो सीएनजी के लिए अनुकूल है अगर आप बचत करना चाहते हैं और जानते हैं कि सीएनजी में लगभग 50 परसेंट की सेविंग्स है तो ये वीडियो आपके लिए फॉर लॉन्ग डिस्टेंस सीएनजी इज द मोस्ट वायबल ऑप्शन सीएनजी डलवाओ और आधी खर्च में जहां मर्जी जाओ ये सीएनजी फिलिंग वाल्व है दिस इज अ डिवाइस जहां से आपकी गैस डलती है और वो डायरेक्टली सिलेंडर पे जाता है ये रिड्यूसर है इसका काम है कि जो भी गैस आपकी पीछे से सिलेंडर से आ रहा है ये हाई प्रेशर में आता है ये उसको रिड्यूस करके जितनी जरूरत है उतना सप्लाई करता है ये इंजेक्टर है यहां से आपकी गैस इंजेक्टर से आपकी फाइनली पंप होती है यह इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है ईसीयू ईसीएम जो भी बोलो ये पूरी किट को ऑपरेट करने का माइंड यही है सारा यहीं से हैंडल होता है सबसे मेन चीज है ये डायनेमिक एडवांसर यह किट के अंदर नहीं आता तो इसलिए बहुत लोग नहीं लगाते हैं लेकिन क्रेटा जैसी गाड़ी के अंदर अगर डायनेमिक एडवांसर ना लगवाओ तो बेकार है डायनेमिक एडवांसर आपकी पूरे इंजन को एनहेंस करता है परफॉर्मेंस को एनहैंस करता है और ड्रास्टिकली आपकी पावर इतनी इंक्रीज हो जाएगा ये एट इंजेक्टर ईसीएम है दिस इज अ डिवाइस विच कंट्रोल्स द अदर फोर इंजेक्टर्स आप स्लीविंग देखो आपका एट इंजेक्टर डिवाइस से डायनेमिक एडवांसर से और आपका ईसीयू से जितनी भी वायरिंग है लगभग सौ तार से ऊपर है ये सारी एक स्पायरल ट्यूब के अंदर जा रहा प्रॉपर स्लीव्ड ताकि गाड़ी के हीट से वायर कभी आपस में चिपके नहीं एंड कभी हीट से शॉर्ट सर्किट के चांसेस ना हो क्रेटर की अगर बात है तो मैं कस्टमर्स को जरूर एडवाइस करूंगा गो फॉर ऑलनी जेन्युन किट्स एंड गेट इट इंस्टॉल थ्रू ऑल गवर्नमेंट ऑथराइज रेट्रोफिटर्स सेविंग्स आपका जैसे फिफ्टी का हो रहा है तो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है CNG kit ka always go for genuine kits. Do not compromise on the cost or quality of the kits. This is Hyundai Creta BS6. Just see the space मतलब इतना space निकल कर आता है Hyundai Creta के अंदर. More than 70% of the space are available after putting 14 kg of cylinder. ये cylinder है इसमें लगभग लग साढे नौ किलो गैस आता है. चौदह किलो का सिलेंडर है सीधा स्टैंड सेम वही कंपनी फिटेड आपका मोल्डेड पाइप स्टैंड है Superb, मतलब स्टेपनी अपने जगह पे है सेवेंटी परसेंट स्पेस मिल रहा है आराम से आप स्टेपनी निकाल सकते हैं रख सकते हैं अ सॉलिड फिटिंग इन ह्यून क्रेटर नाउ लेट्स गो फॉर अ ड्राइव लेट्स सी हाउ इज पिकअप हर एक गियर हर एक स्पीड पे इसको चेक करेंगे सुपर पहली गियर में इसको उठाया सेकंड में उठाया सुपर अब इसको थर्ड पे लिया ओह अल्टीमेट मतलब कहीं भी लैग नहीं है कहीं भी कोई जर्क नहीं है आई ऑलवेज एडवाइस इन ह्यूडई क्रेटा ऑलवेज गो फॉर डायनेमिक एडवांसर ये मजा जो प्लेजर जो आ रहा है गाड़ी चलाने का ये आ रहा है केवल डायनेमिक एडवांसर और मैं चैलेंज लेता हूं मैं क्रेटा के अंदर डायनेमिक एडवांसर लगने के बाद गाड़ी पेट्रोल से भी बढ़िया चलती है सभी स्पीड पे सभी गियर पे कोई लैग नहीं कोई जर्क नहीं मैं देखता हूं बहुत लोग डुप्लीकेट या फेक किट लगवा लेते हैं ड्यूटी प्राइस उनको लगता है दो तीन हजार रुपए वो सस्ता दे रहा है वहां जाके लगवा लेते हैं लेटर ऑन दे सफर ऑन रोड्स एंड दे आर नॉट सेफ ऑल्सो आई ऑलवेज एडवाइज गो टू एनथेटिक प्लेस गेट इट इन थ्रू एन एक्सपीरियंस हैंड विथ क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो आपके गाड़ी में प्रोडक्ट सुटेबल हो वही लगवाए नॉर्मल एडवांसर ना लगवाए सौ रुपए का आता है पांच सौ का बिकता है दो या चार हजार रुपए के लिए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना करें जेन्यन प्रोडक्ट लगवाए जो आपको सालों तक बेटर परफॉर्मेंस दे सीएनजी के अंदर पचास परसेंट की सेविंग्स है जैसे आप मान के चलो क्रेटा के अंदर अगर आपकी पेट्रोल पे नौ पे रुपए किलोमीटर है एसी पे लोकल तो यहां आपकी साढ़े चार रुपए किलोमीटर है लगभग फिफ्टी परसेंट का सेविंग्स है और मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी नहीं है मेंटेनेंस के लिए दो चीजों पे मेन ध्यान देना होता है इसका थ्रोटल बॉडी हमेशा सर्विस पे क्लीन करें स्पार्क क्लीन करें और एवरी सर्विस जो आप दस हजार रुपए कराते हैं उसको आठ हजार कर दे थ्रोटल बॉडी खोल के साफ कराएं स्पार्क प्लग खोल के साफ कराएं और 15000 से 20000 के अंदर स्पार्क प्लग चेंज कर दे ये दो तीन काम अगर कराते हैं गाड़ी मतलब ए वन अब जैसे गाड़ी CNG पे है आइडल पे हम खड़े हैं अब देखो आरपीएम बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है अपने जगह पे स्टेबल है एंड वी आर लोकेटेड हियर एट पश्चिम यार ईस्ट मेट्रो स्टेशन जस्ट अंडर नी ऑपोजिट मेट्रो पिलर नंबर टू वन वन तो चलो डेट्स ऑल फॉर टूडे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अपना सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखें